क्या कुछ कार्यक्रम रहा ये मुंबई विजिट का, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें जी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं 2004 से मुंबई गणपति के अवसर पर मैं आता हूँ, और मेरा एक उसके पीछे उद्देश्य भी रहता है, एक तो बप्पा का दर्शन भी हो जाता है, और दर्शन के साथ साथ हमारा जो जिला जौनपुर है, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों में सबसे ज़्यादा संख्या अगर कहीं की होगी तो जौनपुर जनपद की होगी। तो होता क्या है कि बप्पा का दर्शन भी हो जाता है और अपने गार्जियंस का, अपने मित्रों का, अपने शुभचिंतकों का, उनके घर पर जा कर के उनसे मुलाकात, उनका आशीर्वाद भी ले लिया जाता है, और उत्तर प्रदेश की हम लोग चर्चा भी यहाँ पर करते हैं, और यह मेरा सिलसिला 2004 से आज तक चल रहा है, और जब तक जीवन रहेगा तब तक साल में तो एक बार जो है गणपति बप्पा का दर्शन करने में अवश्य आऊँगा, और बड़ी सीख भी मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी उत्तर भारतीय मुंबई में रहते हैं, अब आप ये जान लीजिए कि हम लोग कई प्रदेशों में जब जाते हैं, चाहे आंध्रा हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, किसी भी सिटी में जाइए तो उत्तर भारतीय आपको उत्तर प्रदेश के लोग हर जगह मिलेंगे, लेकिन कहीं आप पता नहीं कर सकते कि आपके उत्तर प्रदेश के लोग किस शहर में हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर अगर कोई भी उत्तर भारतीय आ जाए, छोटा से लेके बड़ा तक कोई भी गांव का व्यक्ति अगर आ जाए तो सब लोग उसका सम्मान करने के लिए, उससे मिलने के लिए जरूर जाते हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने गांव से लोग जुड़े हुए हैं जो भी मुंबई में रहते हैं। सबसे पहला वो घर में भले उनके ताला लगा हो, लेकिन 4 महले की बिल्डिंग वहाँ पर बनवाएंगे, अपने घर के सामने बढ़िया वो जो है व्यवस्था रखेंगे, और साल में एक बार दो बार शादी विवाह सुख और दुख ऐसे सारे कार्यक्रमों का आयोजन अपने घर से करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्तर भारती अगर मुंबई में है तो आप ये जान लीजिए कि पूरा क्षेत्र जानेगा कि फला घर के लोग मुंबई रहते हैं, अगर वो बेंगलोर है, दिल्ली है या किसी भी शहर में है तो लोग नहीं जान पाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बप्पा का, मुंबा देवी का एक ऐसा आशीर्वाद है कि लोगों को अपने गांव से जो है जोड़ के रखा है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुंबई में रहने वाले अपने उत्तर भारतीयों को कि वो हमेशा अपने गाँव की, अपने उत्तर भारत की, अपने उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है यहाँ आकर के लोगों से मिल करके और उनसे बात करके। किस किस पंडाल में गए और लोगों का किस प्रकार का रिएक्शन रहा, उत्तर भारतीय लोग बड़ी तादाद में आपसे, आपने मुलाकात की उनसे, और खास करके ये विधानसभा चुनाव भी यहाँ पे होने वाला है महाराष्ट्र में, तो कुछ जवाबदारी दी गई है या कुछ आपको इनपुट दिया गया था कि यहाँ कुछ जाके एकत्र करो, उनको समझाओ कि भाई विधानसभा चुनाव आने वाला है महाराष्ट्र में, उसके 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 मद्देनजर ये मीटिंग थी आपकी? देखिए, मैं आपको एक जानकारी यह देना चाहूँगा कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है, योगी जी हमारे वहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, आपके महाराष्ट्र में भी हमारी ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मैं समझता हूँ कि तीनों के बारे में हर जन, हर जात का व्यक्ति यह जरूर कहता आपको मिलेगा कि बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बहुत योग्य, बहुत ही कर्मठशील व्यक्ति हैं। तो रही बात प्रचार प्रसार की, मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाला जो चुनाव है, केशव मौर्य जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको यहाँ पर सह प्रभारी बनाया गया है, और कहीं ना कहीं उनके साथ हमको भी लगना है, और हम जल्द ही जो है गणपति बप्पा के इस कार्यक्रम के बाद जब मैं जाऊंगा तो अगले महीने हम ही नहीं, खासकर चूंकि उत्तर प्रदेश ज़्यादा टारगेट पर रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति आपके मुंबई में आकर के लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों को, नीतियों को बताने का काम करेंगे, और पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब लोग अपना पूरा का पूरा योगदान देंगे और पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। रमेश जी, मेरा सवाल आपसे है, विधायक रमेश जी मिश्रा की अगर बात करें, जब गरजते हैं विधानसभा में तो अच्छे अच्छे की मतलब आंखें ही नहीं, सांसें भी थम जाती है, कैसे कर लेते हैं? जनता का आशीर्वाद है, हमारे बदलापुर के 3,70,000 जो हमारी जनता है बदलापुर की, उनके आशीर्वाद से हमको आज विधायक बनने का अवसर मिला, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक विधायक का कर्तव्य और धर्म होता है कि जनता की बात को सदन में पहुंचाना,
संबंधित विभाग के अधिकारी को, संबंधित विभाग के मंत्री को, मुख्यमंत्री तक जनता की आवाज को पहुंचाना। विधायक विधानसभा का मात्र एक सदस्य होता है और सदस्य का हमारा काम ही है हल्ला करना, हमारा काम है जनता की बात को ऊपर तक रखना। तो जनता ने अगर मुझे विधायक बना है तो मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है कि मैं जनता के बीच में रहता हूं और रह करके उनकी समस्याओं को समझता हूं और समझने के बाद मैं ऊपर तक पहुंचाता हूं। आज उसी की देन है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बदलापुर को ITI दिया, फायर स्टेशन दिया, बस स्टेशन दिया, 7 गाँव को जोड़ने वाला 8 करोड़ रुपये का पुल दिया, 500 करोड़ रुपये की सड़कें दिया। यह तभी संभव है जब ऊपर का आशीर्वाद होता है। और ऐसे अगर MLA कहूँ तो एक MLA की विधायक निधि 2 करोड़ रुपए होती है और हमारे अंडर में अगर देखा जाए तो हमारी विधानसभा में लगभग 300-350 ग्राम सभा आती है। अगर देखा जाए तो 2 करोड़ रुपए से मैं 1 ग्राम सभा का भी विकास नहीं कर सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का और मुख्यमंत्री का सहयोग होना अति आवश्यक है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम बदलापुर का विकास कर रहे हैं। जनता की जब बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज हम बनते हैं, जनता की बात करते हैं, तो जो विरोधी है उनके पेट में दर्द होना लाजमी है, दर्द होता है उनके पेट में जब आप जनता की बात। अब देखिए, ये तो आप समझिए कि विरोधियों का काम क्या है, विरोध करना। विरोधी सिर्फ उसका काम है विरोध करना, उसको और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन मेरा काम है काम करना। विरोधियों का जवाब मैं जबान से नहीं दूंगा, विरोधियों का जवाब मैं जबान से नहीं दूंगा। रमेश मिश्रा जो विधायक बदलापुर है उसका काम उसका जवाब देगा। ये मेरा नारा है और ये मेरी सोच है कि मैं विरोधी से इस तरीके की कोई भी कमेंट करे मैं उसका जवाब नहीं दे करके मैं अपने विकास से मैं जवाब दूंगा और मैं जवाब दूंगा जनता को, ना कि विरोधी को। मेरा जवाबदेही जो है जनता से, जिन्होंने मुझे विधायक बनाया है, तो हम जनता को जवाब दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनता को जवाब देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जनता जवाब देते हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लेते हुए हम भी जनता को जवाब देते हैं। रमेश जी, सैटेलाइट हमारा 2 किलोमीटर पहले रुक गया, क्या कुछ है? रमेश जी, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पहले में लोकसभा की दोनों सीटें आई थी, इस बार सिर्फ एक ही सीट पर उनको संतोष करना पड़ा, तो इसके पीछे आप क्या कभी मानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, है क्या कि मैं सबसे बड़ी बात मानता हूं कि अभी भी हम लोग उत्तर प्रदेश में जात पात खत्म करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम विकास अगर कर रहे हैं तो किसी की जाति पूछ कर नहीं कर रहे हैं। हमारा नारा है सबका साथ और सबका विकास। हम कहीं भी जात पात की बात नहीं करते, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में कुछ जात पात है और हमारा जो एरिया है जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, घोसी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, ये सब जो एरिया है, ये सब एरिया अभी भी जात पात के बीमारी से ग्रसित है। और मैं यह मानता हूं कि हम विकास से इस जात पात के रोग को समाप्त करेंगे, कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं उसकी हम लोग भरपाई करेंगे और आने वाले समय में हम जरूर इन सीटों को पुनः जीतेंगे। रमेश सिंह, मेरा सवाल आपसे है, विधायक जी आपके बगल बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पे आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप दोनों की मुलाकात हुई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो आपको देख रहे हैं? मैं सर्वप्रथम माननीय विधायक जी का मुंबई आगमन पर स्वागत करता हूं। माननीय विधायक जी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणपति बप्पा विघ्नहर्ता जी के दर्शन के लिए यहां आए हैं। यहां जितने भी उत्तर भारतीय हैं, हमारे जौनपुर के हो गए, अगल बगल के जितने जिलों के उत्तर भारतीय हैं, सब माननीय विधायक जी से बहुत प्रेरित होते हैं। विधायक जी उनसे जाके मिलते हैं, एकदम घर का माहौल ये बना के उनसे मिलते हैं। लोगों में जो प्यार ये देते हैं, लोग इससे काफ़ी खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और वो अपनी सारी दुख, जो गांव में जो भी दिक्कतें उनको आ रही हैं, किन्हीं कारणवश वो गांव नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहां सब नौकरी के लिए आए हैं, किन्हीं कारणवश वो अगर गांव नहीं जा पा रहे हैं तो माननीय विधायक जी द्वारा वो अपने जो भी उनकी तकलीफें हैं उसका निराकरण वो कराने की कोशिश करते हैं और माननीय विधायक जी उनका करते भी हैं। आपके ब्लॉक की बात करें तो कैसे, वहाँ पे क्या कुछ विकास चल रहा है, लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे जानकारी देना चाहेंगे आप? कि हमारे खुटहन ब्लॉक में जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं सब लागू कर दी गई हैं और हम ये भरसक हमारा ये प्रयास चालू है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित का काम हमारे ब्लॉक के माध्यम से हो। कुछ बजट 14 वित्त जैसे ब्लॉक स्तर से हटा दिया गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि 14 वित्त का बजट वापस ब्लॉक स्तर पे दिया जाए। विधायक जी,
वैसे तो आपका जनपद पूरे शिक्षा के लिए पूरे देश भर में नहीं विश्व भर में जाना जाता है, लेकिन आपने भी एक मॉडल तैयार किया है, जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उनको आपने इतनी भव्यता सुंदरता से उसको सटीक तरीके से गढ़ा है, एक मॉडल तैयार किया है, बच्चे वहाँ ज़्यादा संख्या में हैं और इंग्लिश प्राइमरी जिस तरह से होता है उसको आपने सुचारू रूप से ढंग से तैयार किया है। क्या चाहते हैं कि कैसे उस मॉडल को पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश भर में कैसे फैलाने का काम करें? देखिए, हमने जो है, हमारी सरकार जब आई उत्तर प्रदेश में, हमने कायाकल्प योजना शुरू करी और कायाकल्प के तहत विद्यालयों को पहले हम लोगों ने उसको सौंदर्य बनाया, उसकी पेंटिंग करके, उसकी जो कमियां थी, बिजली का कनेक्शन, फैन का कनेक्शन, फैन लगवाया, डेस्क और बेंच की व्यवस्था कराई और कंप्यूटर की भी व्यवस्था कई विद्यालयों में हमारे हो गई है। यहाँ तक आपको मैं बताऊँ, हम लोग जो है बच्चों को कलरफुल ड्रेस, उनको हम लोगों ने जो है शर्ट पैंट बेल्ट टाई बैग किताब कॉपी सब कुछ देने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य हमारा ये है, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे स्कूल में आएं और पढ़ें, जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते हैं वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम जैसी सुविधा वाला जो हमारा विद्यालय हम लोग बना रहे हैं उसमें जो है वो आएँ। और आज हम लोगों ने कई विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट भी कर दिया और आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ विद्यालयों की इस समय बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, 100-150-200 तक बच्चे, 300-400 तक बच्चों की संख्या पहुंच गई। इसके पहले एक स्कूल में 4 शिक्षक रहते थे और बच्चों की संख्या वहाँ 15 से 20 होती थी, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। लेकिन हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद हमने वही विद्यालय वही शिक्षक सिर्फ उसको हमने सौंदर्यीकरण कर दिया, कायाकल्प कर दिया, बच्चों के अंदर परिवर्तन ला दिया, इंग्लिश मीडियम विद्यालय बना दिया। आज बच्चों की संख्या काफ़ी हद तक पहुंच गई और उसी तरीके से हम जूनियर हाई स्कूल को भी डेवलप कर रहे हैं, हम अपने यूनिवर्सिटी को भी डेवलप कर रहे हैं और यह काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। खासकर जो बीजेपी की जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ पर मैं मानता हूँ कि हर जगह हो रहा है। बाकी जहाँ पर नहीं है सरकारें वहाँ के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बीजेपी की सरकार जहाँ भी है हम कायाकल्प कर रहे हैं। पिछले 15 साल से हर गणपति में माननीय विधायक जी आते हैं और जब से हमारे विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं तब से हमारा उनका जुड़ाव हुआ है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को विधायक जी के बारे में कि जो व्यक्ति वृत्तांत तरीके से और बहुत ही धाकड़ तरीके से समाज में उठता बैठता है और अपना वक्तव्य देता है वो उसी धाकड़ तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे विधानसभा में काम भी कर रहा है। आप वहाँ की सड़कों को जाके देखिए, 30 साल पहले शायद आप लोगों को किसी को वहाँ के जो नज़दीकी होंगे मालूम होगा, लक्ष्मी शंकर यादव जी जब मंत्री थे तो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, पूरे 30 साल तक उन सड़कों पे न तो गिट्टी पड़ी है न तो उन सड़कों पर कभी डामर पड़ा है, वो ऐसे छीटा मारते थे और शायद फंड वंड जो होता रहेगा करते होंगे। अब जाके आप देखिए, सिंगरामऊ से बहरीपुर तक की सड़क पे हम चुनाव के दौरान गिर जाते थे चलते चलते, मोटरसाइकिलें तो छोड़ दीजिए फोर व्हीलर से लोग गिर जाते थे, इतनी बदतर हालत थी उसकी। आज आप जाके देखिए, इतनी खूबसूरत सड़क है कि रात को भी आप जाइए कोई ये नहीं है। बिजली की व्यवस्था, 24 घंटे बिजली लाने में विधायक जी का श्रेय है। घरों से लोग पलायन कर रहे थे, शहरों की तरफ जा रहे थे, आज लोग वहां जाते, पहले 2 दिन के लिए जाते थे, तीसरे दिन भागने की कोशिश करते थे, अब अपना घर परिवार हर घर में फैन, अभी तो आप जाइए गांव में देखिए एसी लग रहे हैं, एयर कंडीशन लोग। मैं एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा, जमाना इतना स्वार्थी हो गया है, हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। मैंने आपके मुंबई में ही अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक कोई प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति अपनी माँ को चौथे माले से उसने फेंक दिया, उसकी माँ मर गई, वो माँ की सेवा नहीं कर सकता था इसलिए उसने फेंक दिया। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो अपने माँ और बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आप ये बताओ, हम गाय को माँ कहते हैं, हम गाय को मैया कहते हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम गाय जिस तब तक दूध देती है तब तक तो हम गाय की सेवा करते हैं,
जब तक गाय को दुहने के लिए, दूध को आने के लिए जब तक उस बछड़े की आवश्यकता होती है तब तक तो हम उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे वो गाय बूढ़ी हो गई, उसको कोई बीमारी हो गया, उसको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, हम उसको रोड पर छोड़ देते हैं। यह जो सांड आज जिसको आप बैल सांड कह रही हैं, ये पहले बैल हुआ करता था। जिस अमीर व्यक्ति को, रमेश सिंह जैसे व्यक्ति जो कि हमारे यहाँ उद्योगपति हैं, अगर इनके यहाँ चार जोड़ी बैल ना बाधा रहे तो यह माना जाता था कि ये अमीर नहीं है, ये अमीर की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन आज जमाना कैसा आ गया, आज हम उसी बैल को सांड की संज्ञा दे दिए। आज हम किसी जानवर को जिससे हमको लाभ है, जिससे हमारा स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, हम उसी की सेवा करते हैं, और जिस दिन हमारी स्वार्थ की पूर्ति खत्म हुई उसको डंडा मार करके हम भगा देते हैं। कहीं ना कहीं हमको आपको इसके लिए चेतना पड़ेगा, हमको गाय को माँ समझना पड़ेगा। हम उसके उपयोग कई तरीके से कर सकते हैं, हम उसके मल को, हम उसके मूत्र को इकट्ठा करके अगर हम उसको अपने माने आप कीटनाशक दवा छिड़कते हैं, आप खाद छिड़कते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ आप अपने सब्जियों में कदापि दवा का प्रयोग न करिए। ये जो जानवर हम पालते हैं उनके मल और मूत्र को मिला करके उनकी पत्तियों पर छिड़काव करिए, अगर कोई कीड़ा लग जाए तो कहिए। आप उस गोबर को आज उसको आप उस गोबर को अपने खेत में छिड़काव करिए, अगर अच्छी फसल ना हो तो आप कहिए हम यूरिया डाई पोटास केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। जो अमृत दे रही है गाय, जो जानवर हमको अमृत दे रही है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने गौशाला बनाया, हर ब्लॉक स्तर पे हमने दो दो गौशाला बनाए, लेकिन आप बताइए एक गौशाला में हम कितने जानवरों की सेवा कर सकते हैं, हम कितने जानवरों को रख सकते हैं। जब तक हमारे अंदर, जब हम सारे जानवरों को रोड पे छोड़ देंगे तो एक प्रकार से महामारी बनती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जानवरों की सेवा करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, पुण्य मिलता है, और एक पुण्य का काम हमको करना चाहिए, और उनके मल मूत्र के प्रयोग को करना चाहिए हमको, जिससे कि हम एक डाई पोटास का अन्न खाना बंद करें और जैविक खेती करें, और इनके गोबर का प्रयोग करके हम जो है अच्छी खेती करें और शुद्ध अनाज पैदा करें, जिससे हमारे आने वाले बच्चे स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, चुस्त हों, दुरुस्त हों।